हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है खाद्य सेवा प्रबंधन की लेक्चर सीरीज में, जिसमें आज हम पढ़ेंगे इकाई 3 जो है उद्यमिता और खाद्य सेवा प्रबंधन। स्टूडेंट्स, पिछली इकाई में आपने खाद्य सेवा के प्रकारों और उनकी विभिन्न विशेषताओं के बारे में पढ़ा। इस इकाई में हम उद्यमिता और खाद्य सेवा में किस प्रकार से प्रबंधन किया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि खाद्य सेवा प्रबंधन क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों है। भोजन की योजना, चयन, क्रय, भंडारण, तैयारी, खाना बनाना और भोजन समाशोधन ऐसी गतिविधियां हैं जो सीधे भोजन से संबंधित होती हैं। अतः इन सभी गतिविधियों का प्रबंधन अति आवश्यक है, जिससे कि ये प्रॉपर तरीके से चल सके और सारा काम सुचारू रूप से हो सके और जो भोजन फाइनली जो फाइनल प्रोडक्ट है वो ग्राहकों को मिल सके। तो इस पूरी प्रक्रिया को, इस पूरे प्रबंधन को खाद्य प्रबंधन के रूप में जाना जाता है। अब बात करते हैं प्रबंधन के सिद्धांतों की। सबसे पहला सिद्धांत है काम का विभाजन। किसी भी संस्था में किसी भी संस्था का लक्ष्य उस तभी उचित प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है जब सभी कार्मिकों अथवा सभी जितने भी वहां पे वर्कर्स हैं उनके बीच में कार्य का विभाजन उचित प्रकार से किया जा सके, अर्थात वहाँ के कर्मचारियों की क्षमताओं के अनुसार। जैसे आप एग्जाम्पल ले सकते हैं कि एक किसी फूड अगर आपकी इंडस्ट्री है तो वहाँ पे एक कुक होता है, वेटर होता है, मैनेजर होता है, सबकी अलग अलग क्वालिटीज हैं। तो आप अच्छे प्रबंधक तभी हैं या अच्छा प्रबंधन तभी होगा जब हम प्रत्येक व्यक्ति की क्षमताओं को समझें और उन क्षमताओं के अनुसार से कार्य को विभाजित करें। अगला सिद्धांत है प्राधिकरण और जिम्मेदारी। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जो उस भोजन जो आपका खाद्य जो भी आपकी इकाई है उसमें जो भी लोग काम कर रहे हैं उसमें सभी लोगों को उनकी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। अर्थात अगर कोई कुक है तो वो खाने की गुणवत्ता और भोजन किस प्रकार से सही समय पर तैयार हो जाए जिससे कि वो ग्राहकों को दिया जा सके, इस पूरी जिम्मेदारी यह पूरी जिम्मेदारी उस कुक की होगी। तो इस प्रकार से इसी प्रकार से अन्य कार्य भी अन्य व्यक्तियों में इसी प्रकार जिम्मेदारी के साथ बांटे हुए होने चाहिए। नेक्स्ट आता है अनुशासन। अनुशासन आप देखिएगा किसी भी संस्था में एक आप देखेंगे एक अनुशासन का होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर लोग वहां पे जो काम कर रहे हो अगर अनुशासित ही नहीं होंगे तो कोई भी व्यक्ति अपना कार्य ठीक प्रकार से नहीं करेगा और परिणाम क्या होगा कि जो हम फाइनल जो हमारा लक्ष्य है उसको या हमारा जो गोल है उसको हम अचीव नहीं कर पाएंगे। इस अनुशासन में आपकी शिष्टाचार, नियम या आज्ञाकारी होना कि जो आपका बॉस आपसे बोल रहा है या आपके जो आपके साथ में जो वर्कर्स हैं उनसे आप किस प्रकार से बात करते हैं या आप किस प्रकार से अपने बॉस को ओबे करते हैं, तो ये सब अनुशासन में आता है। इसके बाद आता है एकात्मक कमान। एकात्मक कमान का मतलब है कि एक चेन है पूरी जिस जो आपकी इस खाद्य इकाई में काम करी, अर्थात नीचे से लेके ऊपर तक बहुत सारे वर्कर्स इसमें काम करते हैं, जिसको आप वेटर, कुक, मैनेजर और आपके और भी बहुत सारे इसमें डिपार्टमेंट्स हैं यहाँ पे लोग काम करते हैं। लेकिन जरूरी यह है कि इस पूरे इकाई की, इस पूरे संगठन की कमान किसी एक व्यक्ति के हाथ में होना अति आवश्यक है, जिससे कि वो कोई ऑर्डर दे जिसको कि लोग फॉलो करें या फिर उसका एक कमान हो सब पे कि वो सबको कोऑर्डिनेट करे और वो सब पे कंट्रोल करे और सबका फिर इवेल्युएट करे कि किसने कैसा काम किया। तो इस प्रकार से एकात्मक कमान एक व्यक्ति के हाथ में, ये नहीं कि 10 लोग ऑर्डर दे रहे हैं तो इससे क्या होगा, कंफ्यूजन पैदा होगा। अगर एक व्यक्ति ऑर्डर देगा, एक व्यक्ति वहां पे सब कमान संभालेगा तो इससे एक संगतता आएगी और काम जो है वो बहुत आसानी से हो पाएगा और लक्ष्य प्राप्ति में हमें आसानी होगी। अगला सिद्धांत है एकात्मक दिशा। एकात्मक दिशा का मतलब कि एक दिशा में होना चाहिए, आपका लक्ष्य एक होना चाहिए। आप ये नहीं कहेंगे कि आपने ये करना है, आपने करना है, आप अलग अलग लोगों को अलग अलग दिशाओं में नहीं भेजेंगे, अर्थात कि आप सबको बताएंगे कि हमारा फाइनल गोल जो है वो ग्राहक को सही समय पे भोजन मिलना है। अब इसके लिए क्या प्रिपरेशन है ये आप सबको गाइड करेंगे। तो एकात्मक दिशा होनी चाहिए, एक ही दिशा में सभी लोगों का काम करना अति आवश्यक है। अगला सिद्धांत है स्थापना लक्ष्यों के अधीन व्यक्तिगत लक्ष्य।
यह सिद्धांत किसी भी प्रतिष्ठान की सफलता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर हर व्यक्ति पहले अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए काम करेगा, ना कि उस इकाई के लिए, तो इसमें कोई संदेह नहीं कि संगठन को बहुत ही नुकसान होगा और उसे बंद भी करना पड़ सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि व्यक्तिगत जरूरतें कभी पूरी नहीं होती। अतः आप अगर किसी संगठन से जुड़े हुए हैं, किसी इकाई से जुड़े हुए हैं, तो उनके लक्ष्यों को ही अपना लक्ष्य बनाने का प्रयास करेंगे। अगला सिद्धांत है भुगतान या पारिश्रमिक। लोगों को जो भी वहां पे लोग काम कर रहे हैं, वो एक एक उद्देश्य से काम कर रहे हैं। वो ठीक है कि वो संगठन का कोई लक्ष्य अचीव करने के लिए कर रहे हैं, बट सबकी अपनी अपनी जरूरतें हैं, जो कि पैसा है। अतः जो भी आपका संगठन का ओनर है या फिर जो भी मैनेजर है जो ये सब चीज मैनेज करता है, उसको चाहिए कि समय समय पर पारिश्रमिक वगैरह का, और जो भी उनकी सैलरी है या जो भी आप जिस प्रकार से भी उनका पेमेंट किया जाता है, उस रास्ते से उनका पेमेंट किया जाए जो कि समय पे हो, जिससे कि संतुष्टि आए। और अगर सेटिस्फेक्शन है किसी भी व्यक्ति में, तो आप देखिएगा कि उसके कार्य करने की क्षमता दुगनी हो जाती है, दुगनी नहीं और भी ज्यादा बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से मेंटल सेटिस्फेक्शन इज वेरी नेसेसरी। नेक्स्ट है पदानुक्रम। पदानुक्रम के अंतर्गत, इस सिद्धांत के अंतर्गत एक संगठन में विभिन्न स्तरों पर रखे हुए कर्मचारियों द्वारा गठित श्रृंखला जो है, उसको पदानुक्रम कहते हैं। पदानुक्रम मतलब पदानुसार, कि हर व्यक्ति का एक पद हो, नीचे से ऊपर एक बॉस हो, उसका सबॉर्डिनेट उसका सबॉर्डिनेट, इस प्रकार से ये सब चीजें वर्णित हों। अगला है वफादारी और भक्ति। ये सिद्धांत काम पर एक माहौल सुनिश्चित करते हैं, जिससे काम पर सामंजस्यपूर्ण संबंधों के विकास के माध्यम से संगठन के हित और लक्ष्यों के लिए एकीकृत लगाव उत्पन्न हो। अर्थात आप किसी भी संगठन में काम कर रहे हो, तो आपके लिए आपका ये कर्तव्य है कि आप संगठन के प्रति वफादार हों और उसमें अपनी पूरी भक्ति, अपना पूरा तन मन धन लगाकर उसके लिए कार्य करें। अगला है उपक्रम। अगर कर्मचारियों को योजनाओं पर सुझाव देने की अनुमति दी जाती है और जिन्हें आंशिक रूप से जिनका पालन भी किया जाता है, अर्थात आप सजेशंस मांगते हैं, उन सजेशंस पे अमल भी किया जाता है, तो इससे उनकी जो उनको बहुत प्रोत्साहन मिलता है। तो ये उनको प्रोत्साहित करने का भी एक तरीका है, जिससे कि उनका अगेन मेंटल सेटिस्फेक्शन इंक्रीज होता है। जैसे आप एग्जाम्पल ले सकते हैं कि यदि जैसे एक किसी कोई सहायक कुक है, उससे कोई नुस्खा मुख्य कुक जो मेन कुक है उसके द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है, तो जो आपका सहायक कुक है उसमें एक प्रोत्साहन की भावना उत्पन्न होती है, अर्थात से प्रोत्साहित सा महसूस होता है कि उसकी बनाई गई रेसिपी को एक्सेप्ट किया गया। इस सिद्धांत के आधार पर कर्मचारियों को उन निर्णय लेने में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है जो उन्हें प्रभावित करते हैं, और इससे उनके मनोबल में वृद्धि होती है और नए विचारों का विकास भी होता है। अगला सिद्धांत है एकता। एकता आप किसी भी यूनिटी यूनिटी आप किसी भी काम को, ये तो आपने बचपन से भी पढ़ा होगा कि एकता में शक्ति है। अर्थात कोई भी कार्य अगर आप लोग मिलकर करते हैं, यूनिटी में करते हैं, तो वो कार्य बहुत अधिक प्रभावशाली हो जाता है। इसके स्थान पर अगर आप अकेले किसी काम को कर रहे हैं, वो बहुत ही मोनोटोनस होता है, और प्लस आप बहुत ज्यादा उसमें अपने इतने एफर्ट्स भी नहीं दिखा पाते हैं। तो इस प्रकार से यूनिटी इज वेरी नेसेसरी इन एनी ऑर्गेनाइजेशन इन विच यू आर वर्किंग। नेक्स्ट सिद्धांत है नियंत्रण। यह सिद्धांत बताता है कि किसी पर्यवेक्षक के नियंत्रण के क्षेत्र को केवल 5 या 6 लोगों के काम को आवरण करने के लिए सीमित करना संबंधित नौकरी में अधिक दक्षता लाता है। इसे अक्सर नियंत्रण की अवधि के रूप में जाना जाता है। अर्थात जैसे कोई भी कार्य अगर आपको दिया गया है, तो उस पर इसका जो मीनिंग है इस सिद्धांत का, वो ये आता है कि किसी भी कार्य पे नियंत्रण होना अति आवश्यक है, क्योंकि ज्यादा जैसे आप बहुत सारे वर्कर्स हैं तो उन पे भी नियंत्रण आवश्यक है। आपकी जो फूड क्वालिटी है या जो भी फूड बन के बाहर जा रहा है, उसकी उसके पे भी नियंत्रण करना बहुत आवश्यक है, और इससे लोगों के बीच में समझ भी पैदा होती है और निर्णय लेने की क्षमता का भी विकास होता है, और संसाधन जो है उनका मिसयूज नहीं होता, बेहतर इस्तेमाल होता है। प्रबंधन के कार्य, ये तो अभी तक तो आपने पढ़े कि प्रबंधन के क्या क्या सिद्धांत हैं। अब बात करते हैं प्रबंधन के क्या कार्य हैं। अर्थात अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन प्रबंधन किया जाता है, तो क्या क्यों किया जाता है, वो कौन कौन से वहां पे फंक्शंस करता है। सबसे पहला है योजना। योजना नियोजन एक निरंतर प्रक्रिया है, जिसके द्वारा प्रबंधक पिछले प्रदर्शन की
छानबीन करता है संगठन के आंतरिक, बाहरी और पूर्वानुमान भविष्य के रुझान के लिए पर्यावरण परिवर्तनों के प्रकाश में इसकी प्रयोज्यता की समीक्षा करता है। फिर वह स्थापना के लिए लक्ष्य, स्थापना अर्थात ऑर्गेनाइजेशन के लिए लक्ष्य निर्धारित करता है, या संगठन के लिए या फिर इकाई के लिए, आप इसे कुछ भी कह सकते हैं, और उन्हें प्राप्त करने के लिए अपनी गतिविधियों का आधार बनाता है। तो योजना बहुत आवश्यक है किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले, योजना अर्थात प्लानिंग। विदाउट प्लानिंग आप किसी भी लक्ष्य को या किसी भी गोल को अचीव नहीं कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप कोई छोटा सा भी आपका टास्क है, या आप सोचिए, आप रोजमर्रा की अगर उससे उठाइए कि आप सोचिए कि आपने कल ऑफिस जाना है, आपको उसकी तैयारी करनी है, तो आप एक प्लानिंग करते हैं कि मैं इतने बजे उठूंगी, मैं ये करूंगी, खाना बनाऊंगी, अपना तैयार होंगी, और उसके बीच में आप बहुत सारे कार्यों को भी अंजाम देते हैं। तो इस प्रकार से एक प्लान्ड वे में सभी कार्यों को होना बहुत आवश्यक है। तो योजना एक मानसिक व्यायाम भी है जिसका परिणाम संदर्भ में कागज पर लिखित रूप में होता है कि किस प्रकार गतिविधियों को आगे बढ़ाना है, जैसा कि मैंने अभी बताया। योजना से लोगों को यह जानने में मदद भी मिलती है कि आखिर वह कार्य क्यों कर रहे हैं, और उससे उपलब्धि की भावना उनमें आती है। अर्थात आप जब प्लान आउट करते हैं, उसे किसी पेपर में लिखते हैं, तो आपको पता चलता है ओके फाइनली आई विल अचीव दैट और दिस गोल। तो इससे आपको एक प्रोत्साहन मिलता है। तो इसमें उद्देश्य बनता है, रचनात्मकता आती है, व्यवस्थित होता है सारा काम, उत्पादकता में चेंज आता है, और सभी कार्य बहुत संतोषजनक होते हैं। तो इस प्रकार से योजना नियोजन अत्यंत आवश्यक है किसी भी संगठन, किसी भी इकाई को चलाने के लिए। खान पान संचालन की बात करें, अर्थात किसी फूड इंडस्ट्री या फूड इकाई या खाद्य इकाई की बात करें, तो उसमें योजना बनाने के क्या उद्देश्य हो सकते हैं। ग्राहकों की संख्या को सही ढंग से पूर्वानुमानित करना, अर्थात कि कितने ग्राहक आपके आएंगे, कितने कस्टमर्स आपके आएंगे, इसका अनुमान लगाना। इसके अतिरिक्त भोजन की आदतों, धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और आर्थिक स्थिति के साथ ग्राहकों की उपेक्षाओं को देखना। इसका अर्थ है कि खाद्य सेवा से उनकी क्रय शक्ति, समय समय पर खाने पीने के तरीके और उपेक्षाओं को जानना। अगला उद्देश्य है मुनाफे की सीमा को निर्धारित करना, जिससे सभी लागतें, मुद्रास्फीति के रुझान, मेन्यू संरचना, स्वाद या ग्राहकों को ध्यान में रखते हुए आवरण करना आवश्यक है। अगला उद्देश्य है कर की आवश्यकताओं, कर्मचारियों को मुफ्त भोजन के रूप में अनुवृत्ति जैसे वित्तीय बाधाओं के प्रकाश में लाभ नीति की स्थापना करना। अर्थात आप देखिएगा कि किस प्रकार से आप इसमें यह भी प्लान आउट करते हैं कि किस प्रकार से आपको पैसा मिलेगा, और जिसको कि आप अपने बिजनेस में लगाएंगे या आप अपनी इकाई में प्रयोग में लाएंगे। तो इससे क्या होगा, अगर आप एक प्लान वे में चलेंगे तो इससे आपको भविष्य में भी पैसे की कमी नहीं होगी, और जो आपका पैसा है मिसयूज नहीं होगा, उसे आप सही प्रकार से यूज में ला सकेंगे। योजना बनाने के लाभ, इसमें लाभ जैसे उद्देश्य हैं, उद्देश्य ही लाभ हैं एक्चुअली, लेकिन फिर भी इनको इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि आखिरी मिनट की खरीद के कारण निर्देशों या सामग्री के इंतजार में होने वाली गतिविधियों को कम करने में सहायक होता है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, कोई भी कार्य अगर प्लानिंग के साथ किया जाए तो काफी आने वाली बाधाओं को आप दूर कर सकते हैं। इससे हैपहैज़र्ड होने की संभावना बहुत कम होती है, और इस प्रकार की गलतियां होने की संभावनाएं कम हो जाती हैं जो आप एंड मोमेंट पे काम करते हैं उसकी अपेक्षा। और यह भविष्य की संभावनाओं को देखने में मदद करता है, जो प्रबंधकों को प्रवृत्तियों में बदलाव के लिए चेतावनी देते हैं, और जो विभाग की गतिविधियों को प्रभावित कर सकते हैं। यह उचित क्रम में गतिविधियों को व्यवस्थित और एकीकृत करने में मदद करता है। यदि योजना के क्रियान्वयन में शामिल लोगों को अच्छी तरह से सूचित किया जाए तो यह भ्रम को भी समाप्त करता है। अर्थात इन्फॉर्मेशन अगर प्रॉपर वे में जाए, सभी लोग प्रॉपर तरीके से इन्फॉर्म्ड हों, तो कोई भी कंफ्यूजन पैदा नहीं होता है। यह सभी स्तरों के प्रबंधकों को अपने अधीनस्थों को लक्ष्य के प्रति प्रभावी ढंग से निर्देशित करने में मदद करता है, क्योंकि जब आप प्लानिंग बनाते हैं तो उसमें आपका एक लक्ष्य होता है, आप उसकी पूरी किस प्रकार से आप उसको कंट्रोल करेंगे, किस हिसाब से आप रन करेंगे पूरा, तो इससे ये सब उसमें मेंशन होता है। तो यह सभी आप विभिन्न स्तरों पर कार्य कर रहे अधीनस्थों को प्रबंधकों को बता सकते हैं, जिससे कि अपने अधीनस्थों को सही प्रकार से गाइड कर सके। अगला है आयोजन। एक बार जब लक्ष्यों को निर्धारित कर दिया जाता है और काम की जिम्मेदारी विभाग के प्रमुख कर्मचारियों को समझा दी जाती है, तब प्रत्येक क्षेत्र की योजना को कार्य में लागू कर दिया जाना चाहिए। खान पान क्षेत्र में गतिविधि के प्रमुख क्षेत्र उत्पादन चक्र, सेवा क्षेत्र, लाभ योजना और रिकॉर्ड रखने के चारों ओर घूमते हैं।
कर्मचारियों को उनकी क्षमता के अनुसार कार्य प्रवाह को स्थापित करने की क्षमता, जिससे आवंटित गतिविधियों को का समुचित समन्वय हो, इसको आयोजन कहा जाता है। अर्थात जिस भी वर्कर को या जिस भी कर्मचारी को जो भी कार्य दिया गया हो उस इकाई में, वह कार्य अपना सही तरीके से करे, यह आयोजन है जो कि उसका जो कि जो आपका प्रबंधन है उसका अगला वो पार्ट है। इसके नेक्स्ट भाग में हम जाते हैं जो है निर्देशन। निर्देशन योजना और आयोजन, जैसे आपने सबसे पहले पढ़ा योजना, अब हम आए हैं आयोजन, हम पढ़ चुके हैं, अब अगला है निर्देशन। निर्देशन में योजना और आयोजन में प्रबंधक को मानसिक प्रयास करना होता है, जबकि निर्देशन वह कार्य है जिसमें आपको निर्देशित करना होता है। निर्देशित जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है कि निर्देश देना अपने अधीनस्थों को, अपने सबॉर्डिनेट्स को, कि आपको ये कार्य करना है, आपको इस तरीके से करना है, इतने बजे तक करना है, इस तरीके का खाना बनाना है, इस क्वालिटी का खाना बनाना है और इस ग्राहक तक पहुंचाना है। इस प्रकार से डिफरेंट निर्देशन दिए जाते हैं। यह निर्देश मार्गदर्शक, पर्यवेक्षण, शिक्षण और समीक्षा द्वारा किया जाता है। प्रबंधक के व्यक्तित्व पर काफी निर्भर करता है कि वह निर्देशन कर लोगों को स्वेच्छा से काम करने और संगठनात्मक और व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करे। अर्थात निर्देशन में बहुत शक्ति है। आपका बॉस कैसा है, वो आपको किस प्रकार से निर्देशित करता है, इससे आपके लक्ष्य की प्राप्ति के समय और उनकी क्वालिटी डिपेंड करती है कि किस प्रकार से आपको निर्देशित, क्या कार्य करने के लिए निर्देशित किया गया। अगला फंक्शन है समन्वय। लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए व्यक्तियों को निर्देश के अलावा सभी कर्मचारियों की गतिविधियों को अच्छी तरह समन्वित किया जाना चाहिए। अर्थात अच्छा कोऑर्डिनेशन होना अत्यंत आवश्यक है किसी भी इकाई की सफलता के लिए। जितने भी व्यक्ति वहां पे काम कर रहे हैं, जितने भी व्यक्ति संगठन में काम कर रहे हैं, उन सबको एक समन्वित होकर कार्य करना अत्यंत आवश्यक है। अर्थात कोऑर्डिनेटेड वर्क होना चाहिए। सबको आपस में एक दूसरे से साझा करनी चाहिए अपनी परेशानियां या फिर जो भी उनको अपनी उपलब्धियां, इनफैक्ट तो सारी बातें आपस में शेयर करते हुए कार्य को मिलजुल के करना चाहिए। तो ये एक अच्छे लक्ष्य को प्राप्ति की अच्छे लक्ष्य की प्राप्ति की ओर ले जाता है किसी भी इकाई को। नेक्स्ट है नियंत्रण। प्रबंधन के सभी कार्यों में यह कोई विशिष्टता नहीं है कि निर्धारित लक्ष्य को लगातार प्राप्त किया जाए, इसलिए गतिविधियों को सही दिशा में देने, सही दिशा देने के लिए नियंत्रण अत्यंत आवश्यक है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि कंट्रोलिंग इज वेरी नेसेसरी। अगर कंट्रोल नहीं किया जाएगा तो मानवीय संसाधनों का और अमानवीय संसाधनों दोनों का ही मिसयूज होने का पूरा पूरा चांस बनता है। क्योंकि अगर उसके चरण पे कंट्रोलिंग सही तरीके से नहीं की जाएगी तो वो वहाँ पे आपकी, चाहे वो आप ह्यूमन के एस्पेक्ट में ले या फिर आप नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज में ले, तो वो दोनों ही इसमें आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। अतः लगातार निगरानी या कंट्रोलिंग बहुत आवश्यक है जो कि अक्सर प्रबंधक द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है मूल्यांकन। अब जब सारा कार्य हो गया, आपने आपने प्लानिंग करी, आपने उसका आयोजन किया, उसके बाद कंट्रोलिंग आई, तो इसमें मूल्यांकन जो नेक्स्ट है वर्क वह है मूल्यांकन। मूल्यांकन अति आवश्यक है यह जांचने के लिए, यह देखने के लिए कि क्या जो काम किया गया वो अप टू द मार्क था, आपने जो स्टैंडर्ड सेट किए थे वह पूरे हुए, आपने जो लक्ष्य प्राप्ति का एक उद्देश्य अपना एक सेट किया था क्या वो प्राप्त हुआ, तो इसके लिए मूल्यांकन की बहुत आवश्यकता होती है। मूल्यांकन से आपको अपनी खामियों का, अपनी गलतियों का भी पता चलता है। अर्थात जो काम आपने गलत किया है, अगर आप उसे आप अगर मूल्यांकन करते रहेंगे तो आपको उसका तुरंत एहसास हो जाएगा और हो सकता है कि आप उसको उसी समय सुधार लें और भविष्य में होने वाली बड़ी जो आपकी प्रॉब्लम है उससे आप बच पाए। अतः मूल्यांकन बहुत आवश्यक है। अब खाद्य सेवा में किस प्रकार से मूल्यांकन हो सकता है, एक स्टाफ का मूल्यांकन और खाद्य उत्पादन मूल्यांकन। स्टाफ का मूल्यांकन अर्थात जो भी आपका स्टाफ काम कर रहा है वो सही तरीके से काम कर रहा है, उनको जो जिम्मेदारियां दी गई हैं क्या वो उनको सही तरीके से निर्वहन कर रहे हैं, क्या सभी लोग अपने अपने कार्य में निरंतर कार्यशील हैं, यह विभिन्न जानकारियां आपको मूल्यांकन से प्राप्त होंगी। खाद्य उत्पादन मूल्यांकन, खाद्य उत्पादन मूल्यांकन जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि जो आपका फूड प्रोडक्ट फाइनली तैयार हुआ है वो आपके स्टैंडर्ड्स में है, सही नहीं उतरता है या फिर
सही है या नहीं है। इसको दो प्रकार से हम चेक कर सकते हैं, संवेदी और उद्देश्य तरीकों से। संवेदी तरीकों से कि आपने जो फूड प्रोडक्ट तैयार किया है उसकी स्वाद, गंध और रंग आपके स्टैंडर्ड के अनुरूप हैं या नहीं है, वो अप टू द मार्क है या नहीं है। उद्देश्य के तरीकों में जैसे पदार्थों की मोटाई, प्रवाह, कुरकुरापन, हल्कापन, भोजन के रंगों की तीव्रता आदि गुणों का विभिन्न उपकरणों का इस्तेमाल करके उसका चेक किया जाता है उसे कि वह सही है या नहीं है। अतः व्यंजनों की गुणवत्ता का मूल्यांकन निरंतर होना चाहिए यदि आप चाहते हैं कि आपकी जो खाद्य इकाई है वो सही तरीके से चले। उसके बाद है लाभप्रदता का मूल्यांकन। लाभप्रदता का मूल्यांकन की कोई भी इकाई आपने किसी न किसी लाभ के उद्देश्य से ही चला रहे होते हैं, तो आपको यह भी देखना है कि आपको उससे लाभ मिल रहा है या नहीं, कि आपको प्रॉफिट आपका जो भी आपके खर्चे होते हैं उनके अलावा आपकी इकाई को प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो यह भी आपको बार बार इसमें चेक करना होता है। तो लाभप्रदता का मूल्यांकन भी आवश्यक है। आइए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं जिसमें है प्रबंधन के उपकरण अथवा संसाधन। अगर आपको याद हो तो ये सब हम पिछली इकाई में पढ़ चुके हैं, अतः हम इसको दोबारा से नहीं रिवाइज करेंगे। आप अपनी उसी वीडियो को दोबारा से देख के अगर आप भूल गए हैं तो उसको आप दोबारा एक बार रिवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं बजट की ओर। बजट भी वैसे हम अधिक तो उसमें कवर कर चुके हैं, फिर भी एक बजट का एक हम ब्रीफ जरा सा ले लेते हैं। बजट क्या है और क्यों इसकी आवश्यकता है। बजट से किसी व्यवसाय के संचालन के लिए योजना का अनुमान होता है, या कभी कभी पैसे के संदर्भ में होता है, या फिर इकाइयों या प्रतिशत के रूप में भी इसे व्यक्त किया जा सकता है। किसी भी इकाई के लिए या किसी प्रबंधन के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपकरण है, क्योंकि इसी पे पूरी इकाई निर्भर करती है। इससे आप उत्पादन, बिक्री, कर्मचारियों की संख्या, खरीद, सभी लक्ष्य इसी के आधार पर आप अपने स्थापित करते हैं। बजट विभिन्न प्रकार के होते हैं और उपयोग के अनुसार उनका वर्गीकरण भी किया जा सकता है, जैसा कि हमने पिछली इकाई में पढ़ लिया है। अब बात करते हैं नेतृत्व शैली की। नेतृत्व शैली यह निर्धारित करती है कि अधीनस्थों के साथ जो आपका बॉस है या जो भी आपका प्रबंधक है उसके अपने अधीनस्थों के साथ कितने अच्छे रिलेशन हैं और वह कितने अच्छे से सबको गाइड कर रहा है और अपनी जो इकाई है उसका नेतृत्व कर रहा है। तो यह शैली भी अत्यंत आवश्यक है अगर आप अपनी संस्था को सही से रन कराना चाहते हैं। तो संचार का इसमें जिक्र है। संचार इसलिए आवश्यक है क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सफलता के लिए सभी योजनाएं धरी की धरी रह जाएंगी अगर उसमें कार्य कर रहे लोगों का आपस में सही प्रकार से संचार नहीं है, अर्थात उनका आपस में कोऑर्डिनेशन होना, उनके बीच में कम्युनिकेशन होना, बहुत अच्छा कम्युनिकेशन होना बहुत आवश्यक है, ताकि जो बॉस समझा रहा है, जो आपका लीडर है उसका अपने अधीनस्थों से और जो आपके कलीग्स हैं उनका आपस में भी कोऑर्डिनेशन अच्छा होना बहुत आवश्यक है, जिससे कि कोई भी इंफॉर्मेशन सही प्रकार से और पूर्ण रूप से संचरित हो सके। संचार प्रक्रिया क्या है ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। संचार प्रक्रिया में कोई एक संदेश होता है, कोई एक जानकारी होती है जो संचरित की जाती है, जिसमें एक होता है जो संचार करता है और दूसरा होता है जो उसे, मतलब जो संचार शुरू करता है उसे स्रोत कहते हैं और जो ग्रहण करता है उसे श्रोता कहते हैं। बीच में मीडिएटर्स होते हैं, चैनल्स होते हैं जिनके थ्रू संदेश प्रवाहित किया जाता है, ताकि किसी भी जो आपका कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है इसमें संचार प्रक्रिया का भी उचित होना अत्यंत आवश्यक है। अब बात करते हैं उत्पादनों के संसाधनों के प्रबंधन और संसाधन किस प्रकार से जुटाया जाता है इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। उत्पादन और भोजन की सेवा के लिए संसाधन खान पान प्रबंधन के लिए उपलब्ध कारक हैं और ये कई कारणों से सीमित भी होते हैं। एक भूमि एकमात्र संसाधन है जो वास्तविकता में समय के साथ मूल्यवान होता रहता है। छोटे खान पान प्रतिष्ठान में मालिक स्थान के लिए किराए का भुगतान करते हैं, अर्थात अगर आप छोटी सी कोई शॉप या कोई छोटा सा रेस्टोरेंट या ढाबा खोल रहे हैं तो आप रेंट ले लेते हैं, लेकिन अगर आप कोई बड़ा होटल खोल रहे हैं तो उसमें भी आप रेंट पे भी ले सकते हैं, बट उसमें आप अपना भी अपनी जमीन और अपना आप जो आप बिल्डिंग है वो बना सकते हैं। जो भी संसाधन है इसमें एक बार शॉर्ट में पढ़ लेते हैं। पैसा है, भूमि है, सामग्री है, स्टाफ है, समय, ऊर्जा, प्रक्रियाएं। पैसा आपको सबको पता है कि किसी भी इकाई को चलाने के लिए या खोलने के लिए पैसा बहुत आवश्यक है। भूमि की आवश्यकता मैं बता चुकी हूँ।
सामग्री खाद्य सामग्री हो सकती है, सफाई सामग्री होती है, या मेज पर प्रयुक्त होने वाली सामग्री भी हो सकती है, लिनन वगैरह। सफाई सामग्री सफाई के लिए आवश्यक, खाद्य सामग्री इज रॉ मटेरियल। स्टाफ, जो भी स्टाफ वहां पे काम कर रहा है वो आपका स्टाफ है। और एक प्रभावी संचार प्रणाली की स्थापना के माध्यम से कर्मचारियों का अधिकतम उपयोग लोगों की आवश्यकताओं की संपूर्ण समझ पर निर्भर करता है। समय है, समय आपके सभी कार्य समय के अंतर पूरे होने चाहिए, तभी आप सक्सेसफुली अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। फिर आता है ऊर्जा, ईंधन ऊर्जा, मानव प्रयास, दो प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं। और प्रक्रियाएं, इसका तात्पर्य जो विभिन्न प्रकार की आपने वहाँ पे जो भी आपके रेसिपीज हैं या विभिन्न तरीके जो हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। एक बार समरी देख लेते हैं कि हमने इसमें क्या क्या पढ़ा। आपने पढ़ा कि कैटरिंग प्रबंधन क्या है, मतलब कि ये जो आपका पूरा खाद्य प्रबंधन है वो क्या है, और प्रबंधन के सिद्धांत पढ़े, उनके प्रबंधन के कार्य पढ़े, इसके अलावा प्रबंधन में क्या क्या संसाधन आपके होते हैं पढ़ा। तो इस प्रकार से पूरी इकाई में आपने इन सब का अध्ययन किया। तो स्टूडेंट्स, हमारी आज तीसरी इकाई यहीं पे पूर्ण होती है। अगले अगले लेक्चर में हम इकाई 4 की ओर बढ़ेंगे, जो है वित्तीय प्रबंधन। थैंक यू।